ये वो जगह है इसके काफ़ी ऊपर जहाँ से ये स्लाइडिंग शुरू हुई है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी ऊपर तक ये जो है काफ़ी स्लाइडिंग आई हुई है। तो ये जो आपको जो भी यहाँ पे ये जो आपको सामने जगह दिखाई दे रही है, ये जो है फट चुकी है। ये कभी भी जो ये जो मलबा है ये इसी रास्ते से होकर जाएगा और नीचे हमारा गांव है। आप ध्यान से देखोगे वीडियो में तो ये जो जितना भी मलबा गया हुआ है कि हमारे घरों से होकर निकला है, काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा भी। तो वीडियो के एंड में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर। मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई गलत मकसद नहीं है, पर मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि कोई बड़ा हादसा होने से पहले इस हादसे को रोका जाए। अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी जो है ज़मीन खिसकनी स्टार्ट हो चुकी है। कभी भी ये अगर बारिश द्वारा हुई तो ये जो मलबा है ये निकल जाएगा यहाँ से, और नीचे जहाँ पे हमारा गांव है वहाँ पे काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वो जगह है जहाँ पे हम पशुओं को बांधते हैं, और साथ में आप ये देख रहे हो आप कि ये जो स्लाइडिंग है ये इस पॉइंट से चल रही है ऊपर से, और ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है बीच में, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से भी स्लाइडिंग चली हुई है। ये जितना भी एरिया है ये सारा स्लाइड हो रहा है धीरे धीरे करके। ये जो स्लाइड हो रहा है ये सीधा इस पॉइंट से आएगा, और ये जो मकान है जो जहाँ पे हम पशुओं को बांधते हैं इसको ले जाएगा, पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी। इसी की चपेट में नीचे देखो आप, ये हमारे घर हैं। ये जो बादल फटने के कारण जो भी मटेरियल था ये हमारे घर के आंगन वगैरह में पूरा इसका मलबा है। आप ध्यान से देखोगे तो कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पर आप खुद से देख सकते हो कि कितना पानी आया था और क्या करके चला गया, और क्या कितनी तबाही यहाँ पे। देखो यहाँ तक ये नीचे हमारे खेत, यहाँ से और ये सब कुछ तबाह। ये हमारे गांव के लोग आए थे, फिर जाकर हमने खुद मेहनत करने के बाद पानी का बहाव जो था उस टाइम ठीक था, पर उसको हमने दूसरी तरफ पलट दिया, तब जाके थोड़ा आराम हुआ, नहीं तो काम बहुत ही ख़राब था। देख सकते हो आप कि कितना मलबा आया था और किस तरह तबाही करके चला गया। अगर आप इधर देखोगे तो ये जो हमारी खेती थी वो भी बर्बाद। एक ये जो आपका केले के पेड़ जो है इसके पीछे से स्लाइडिंग चली हुई है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वो स्लाइड बस 2 या 3 दिनों के बाद अगर बारिश वगैरह हुई तो ये जो जितनी भी खेती है, ये जो आपको खेत दिखाई दे रहे हैं ये सब बर्बाद हो जाएंगे, और उसका जो मलबा है जो भी जितना भी मटेरियल है वो यहीं से जाएगा। आप देख सकते हो बहुत ये कि कोई भगवान की कृपा हुई जिसके कारण हम बच गए, नहीं तो काम बहुत ही ख़राब था, कुछ भी हो सकता था। अगर आप देखोगे तो देख सकते हो साथ में बाथरूम है, साथ में घर है। बस ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है इस टाइम एक तलवार की धार पर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोगों को आना जाना हुआ बड़ा ही मुश्किल, देख सकते हैं लोगों के चेहरों पर जो है कि स्माइल जा चुकी है।
कभी भी खतरे की निशानी में है हमारा पटियादा गांव। ना कोई रास्ता ना कोई कुछ, देख सकते हो देखो किस प्रकार इधर जो है जो ऊपर बादल फटा था उसका के आंगन में देखो मिट्टी के ढेर लग गए हैं। देखो बहुत ही बुरा हाल। हाँ चला इसी के बीच हमारे ये जो बादल फटे उसी की चपेट में आ गया हमारा घर भी। तो देख सकते हो आप दीवारें वगैरह फट चुकी हैं, बरांडा वगैरह फट चुका है, थोड़ी ये नीचे जो भी ज़मीन है ये फट चुकी है। नीचे जिस जहाँ तक देखोगे आप वहाँ तक ये वो जगह है जहाँ पे हम पशुओं को रखते हैं। तो देखो कि ये भी फट चुका है, पूरा दरारे दरारे पड़ चुकी हैं। और साथ में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये जो है पूरी ज़मीन जो है फट चुकी है। और साथ में ये जो ऊपर का जो भी हिस्सा है ये पूरा दलदला हो चुका है। अब भी मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारे खेत जो नीचे नाला है उसमें जो फ्लड आने के कारण जो बादल फटा था उसका ज़्यादा वाइब्रेट होने के कारण ये जो हमारे खेतों का नुकसान हुआ है। देखो जहाँ तक देखोगे वहाँ तक नुकसान है। और साथ में ये नीचे खड्ड है, इधर से भी देखो अगर आप देखोगे ये ऊपर से स्लाइड हो रहा है और ये नीचे तक ये बड़े बड़े पेड़ देखो आप ऊपर से स्लाइड होकर आ गए हैं। ये पूरी जो ज़मीन है वो फट चुकी है। ये जो आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो बीच में ये जो यहाँ से फटने ज़मीन स्टार्ट हुई है और वहाँ एंड तक पूरे खेत बर्बाद हो चुके हैं। हमारी जो भी खेती है वो सब ही बर्बाद हो चुकी है। ये देखिए रात के 12:30 बजे का टाइम है लगभग, तो आज भी बारिश हुई तो हम एकदम से हमको दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा। ये देखिए जो लोग सही हैं
वो तो चलो चल के आ सकते हैं, जो बेचारे अपाइज हैं वो कैसे आएंगे चल के। बड़ी मुश्किल से उठा के लाए हम उनको, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे। रात के 12 बजे का टाइम है लगभग, देख सकते हैं आप, ये 12:30 हुए। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर हमारी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।